हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। तो जैसा लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करें, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करें, तो एक मैं सीक्रेट बताती हूँ आप लोग को। जैसा आप लोगों के पास सबके पास लूसेंट होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है हम कभी खोल के नहीं देखते, उसको इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि उसने आपको हर टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमको एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है, लाइक रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों सब चीजें उसमें दी हुई है, डिटेल में दी हुई है। अगर हम बात करें तो उसमें आप 15 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है, आप उससे ज्यादा ही मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। आपको ध्यान कहाँ रखना है, सारी टॉपिक्स आप उससे पढ़ लें और उससे क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट वो क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब जो पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको आप सर्च करके लिख लीजिए कहीं पर, या प्रिंट आउट अगर आपको मिलता है पीडीएफ मटेरियल तो वो निकाल लीजिए। और अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, लाइक कोई ट्रीटी साइन हुई है, कोई पर्सनालिटीज है, या जो थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है, या ऐसे कोई जो इंपॉर्टेंट जो उसमें नाम दिए हुए हैं, उनको आप डिटेल में लिख लीजिए। बाकी 15 मार्क्स के हिसाब से अगर हम हर टॉपिक पे देखें तो उसमें सफिशियंट मटेरियल दिया है लूसेंट में, ठीक है। ये वाली बुक तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, खजाना है, ट्रेजर है ये। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।